सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में, और हम जिस न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं उससे इनएफओ को, यानी कि न्यू फंड ऑफर का मतलब इनएफओ होता है, तो उस इनएफओ को जो लॉन्च किया है वो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस फंड के अंदर में आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम जो है वो देखने को मिलेगा। आपका हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि हमें कोई ऐसा फंड बताइए जहाँ से हमें कम रिस्क में, यानी कि रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, और वहां से हमें एफडी के जैसा जो है वो रिटर्न्स मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस अपने को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा जो फंड लॉन्च किया गया है उस फंड का मैं आपको नाम बताता हूँ। काफी बड़ा हमें यहाँ पे नाम जो है वो देखने को मिलता है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है कोटक कृषि आईबी एक्सेप्ट ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027 फंड, ठीक है, जो कि इतना बड़ा हमें नाम देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको इस नाम के अंदर से ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो पहले आप इतना क्लियर करके चलिए कि ये जो फंड है ये एक डेट म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो ये एक डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और ये एक टारगेट मेच्योरिटी फंड है कि ये फंड जो है वो सीमित समय के लिए जो है वो खुला रहने वाला है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो हम और आप जैसे इन्वेस्टर से पैसे लेकर के उन जगहों पे पैसे को लगाते हैं जहां पे लोन दिया जाता है, ठीक है। उन कंपनी को ये लोग पैसा देते हैं जो कंपनी मार्केट में लोन को बाटा करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पैसे को इस फंड के अंदर से कहाँ लगाया जाएगा। तो नाम से ही हम निकालेंगे कि कहाँ लगाया जाएगा। तो पहले हमें कोटक देखने को मिलता है। तो कोटक से तो क्लियर है कि हमारा कोटक जो है वो हमारा एक एएमसी कंपनी है जो हमारे फंड को मैनेज करने वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है क्रिसिल आईजीएक्स। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये ना एक सेबी की तरह काम करता है। जिस तरीके से सेबी हर एक म्यूचुअल फंड का देख रेख करता है, वैसे ही क्रिसिल जो है वो हर एक कंपनी को देख रेख करता है जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, ठीक है। वो हर एक कंपनी का देख रेख करता है कि कौन कंपनी कैसा है, कौन कंपनी फ्रॉड कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो क्रिसिल ना हर एक कंपनी को देखता है जो लोगों को लोन देती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करके आप चलिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। तो ये आप समझ जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। ट्रिपल ए कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनी के अंदर भी आपके पैसे को लगाया जाएगा जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी हो, ठीक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल सर्विस। तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये फंड मैनेजर उन कंपनी को लोन देगा, उन कंपनी के अंदर में आपके पैसे को लगाया जाएगा जो कंपनी फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करती है। जैसे कि लोगों को लोन देती है तो फाइनेंस की कंपनी लोन देती है, या फिर कोई इंश्योरेंस की कंपनी इसके अंदर में रह सकती है, या फिर होम लोन की कंपनी जो है वो इसके अंदर में रह सकती है। यानी कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कंपनी के अंदर में ही आपका 80% पैसा जो रहेगा, 80% से ज्यादा पैसा आपका वैसे जगह पे ही लगाया जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सितंबर 2027 फंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टारगेट मेच्योरिटी फंड है। 2027 का जो साल रहेगा उस साल का जो सितंबर महीना रहेगा उस सितंबर में ये जो फंड जो है वो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जा रहा है। अब आप ये जानिए कि आप इस फंड के अंदर में कब से लेकर के कब तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कितना डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस फंड को जो लॉन्च किया गया है वो है 30 अगस्त 2024 को इस फंड को लॉन्च किया गया है, और इस फंड का जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, जो इनएफओ का जो एक्सपायरी डेट में देखने को मिलता है वो है 11 सितंबर 2024। यानी कि आपके पास 30 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक टाइम है कि आप इस एनएफओ में अपने पैसे को निवेश कर पाए। एनएफओ रहते भर में आप निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो चीजें हैं वो 10 रुपए का मिल जाएगा, जिसे हम एनएवी प्राइस कहते हैं। यानी कि जिस प्राइस पे हमें एक यूनिट मिलता है उस प्राइस को हम एनएवी प्राइस कहते हैं। तो आप एनएफओ रहते भर में पैसा लगाएंगे तो आपको 10 रुपए का एक यूनिट जो है वो मिल जाएगा। तो आपके पास इतना टाइम है, आप इस टाइम के बीच में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान के चलिए कि आपको ये कैटेगरीज पसंद आती है, डेट कैटेगरीज में आपको पैसे को लगाना है, तो आप कितने पैसे से इस फंड के अंदर में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसआईपी करने के लिए आपका 100 रुपए रखा गया है, और लमसम करने के लिए भी आपका यहाँ पे 100 रुपए ही रखा गया है। यानी कि एसआईपी आप हर महीना कीजिए तो 100 रुपए की आप एसआईपी, कम से कम मिनिमम अमाउंट 100 रुपया है,
₹100 की आप SIP शुरू कर सकते हैं और ₹100 जो है वो लमसम भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब हम मेन चीज का बात करते हैं कि इस फंड का एग्जिट लोड क्या है और एक्सपेंस रेशियो कितना लगेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि इस फंड से हमें रिटर्न्स कितना जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड जो रखा गया है वो हमें 180 दिनों का टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है कि अगर आपने इस फंड के अंदर में जो भी पैसा को लगाया है उस पैसे को अगर आप 180 दिनों के अंदर में, यानी कि लगभग 6 महीना 180 दिन होता है, तो 6 महीने के अंदर में आप पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगने वाला है जो कि 0.25% एग्जिट लोड लगेगा। इतना पैसा कट कर ही आपके पास जो पैसा आएगा अगर आप 6 महीने के अंदर में पैसे को निकालते हैं। तो अब बच जाता है हमारा एक्सपेंस रेशियो कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। तो ये एक डेट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है तो आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं दिया जाएगा। NFO में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता, लेकिन मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपसे जो एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा वो 0.20% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा, इसी के आसपास लिया जाएगा, जैसे कि 0.18%, 0.25%, लेकिन 0.20% है इसको आप मान के चलिए कि इतना आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो लगेगा ही लगेगा। अब लगभग हमने बेसिक यहाँ पे फंड के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि फंड कैसा है, कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा, कितने पैसे से हम निवेश कर सकते हैं, क्या क्या चीज फंड के बारे में सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब मेन चीज यहाँ पे बच जाता है वो है कि ये हमारे किस बेंचमार्क को फॉलो करता है और ये हमें कितना का रिटर्न्स बना करके दे सकता है। तो बेंचमार्क जो आपका नाम पूरा देखने को मिला है, कोटक को छोड़ करके जो आपको फंड का नाम देखने को मिलता है वो आपका बेंचमार्क है। मैं यहाँ पे बता दूं तो सील IBX AAA फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स September 2027 जो है ये आपका बेंचमार्क देखने को मिलता है और ये बेंचमार्क पास्ट में कैसा रिटर्न्स बना करके दिया है ये आप जानिए। ठीक है, तो पास्ट का जानने से बेहतर ये है कि आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं कि कोई भी डेट म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, तो वो फंड आपको 7% से लेकर के 9% के बीच में ही आपको रिटर्न्स जो है वो बना करके देता है। तो आप इस फंड के अंदर से 7% से लेकर के 9% के बीच में, यानी कि लगभग मान के चले तो आप एक 8% का सालाना रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका 8% से जो है वो ग्रो करेगा। अगर आप इस 8% को बिना रिस्क के साथ पाना चाहते हैं तो आप इस फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी बता दी है, फंड को रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में निवेश कीजिए। बाकी अगर आप करना चाहें तो अच्छा है, कम रिस्क में आपको 8% के आसपास जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।